I'm just gonna have to. माझी आपको हुआ क्या माझी? क्या हो रहा था ये? ससुर और बहू के बीच में मर्यादा और लज्जा का एक रिश्ता होता है और तुम आज दोनों ही भूल गई हो। अरे ससुर की सेवा करने के बहाने इतने नजदीक जाओगी तुम उनके कि उनका सर अपनी गोदी में रखे मालिश करोगी उनकी? माझी अब ये सब गलत सोच रही है। मैं गलत सोच रही हूँ कि तुम्हारी हरकत ही घटिया है। मेरे बेटे से मन नहीं भरा तेरा जो मेरे पति पर डोरे डाल रही है तू? तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? आप ये सब क्या बोल रही है? आप ये सब सोच भी कैसे सकते हैं? आपको जो समझ में आ रहा है आप बोलते जा रहे हैं ना शनप। बाऊजी के सर पे चोट लगी थी इसलिए मैंने उनकी मालिश की। अगर बहू अपने ससुर की सेवा करे तो इसका ये मतलब नहीं कि उनके बीच में गलत संबंध है। आज की बात तूने कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल निकल यहाँ से, मैं खुद कर लूंगी अपनी पति की सेवा। हाँ दीक्षा, कैसी हो? बेटा मैं दीक्षा की मम्मी बोल रही हूँ। बेटा दीक्षा का कल रात को एक्सीडेंट हो गया था। क्या? अभी सिटी हॉस्पिटल में है। कैसे? स्कूटी से। वो ठीक तो है ना? बेटा वो जो शादी के पैसे दिए थे मुझे जरूरत है उसकी। जी आंटी, मैं पैसों का इंतजाम करके मैं जल्दी हॉस्पिटल आती हूँ। हेलो गौतम। हाँ शीतल बोलो। मुझे हॉस्पिटल जाना है, दीक्षा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कैसे? लेकिन वो कल रात अपने घर पे जा रही थी और उसकी स्कूटी कार से टकरा गई, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं उसके। और अब उसकी माँ बोल रही थी कि 1 लाख जो शादी के लिए दिए थे वो चाहिए उन्हें। यार शीतल अभी पॉसिबल नहीं है, अगर 10-20 हज़ार होता तो मैं तुरंत कर देता। तुम तो जान ही रहे हो ना शादी में कितना खर्चा हुआ है, मैं तो खुद अभी कर्जे में हूँ, कहाँ से करूँ मैं? हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन कोई मुसीबत में है तो उसे तो चाहिए ही ना पैसे, और वैसे भी दिए हुए तो उनके ही थे। लेकिन इस तरह से बैकआउट होना क्या अच्छा लगेगा क्या? अरे शीतल तुम फालतू में बकवास कर रही हो, मैं बैकआउट की बात कहाँ कर रहा हूँ। अरे अभी प्रेशर है पैसों का इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, समझो बात को। ठीक है तुम रहने दो, मैं खुद ही इंतजाम करती हूँ। अरे शीतल हेलो। सीता शाम को शर्मा जी की फैमिली घर आ रही है, उनके लिए खाने में कुछ स्पेशल बनाना होगा और वो लोग पहली बार हमारे घर आ रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हाथ का खाना बना हुआ खाएं। 1 हफ्ते पहले गौतम ने उन्हें इनवाइट किया था लेकिन वो बाहर गए हुए तो आ नहीं पाए। अभी उनका फ़ोन आया कि आज शाम को लोग आ रहे हैं खाने पर। माँ जी माफ़ कीजिएगा, मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे बहुत जल्दी हॉस्पिटल निकलना है, तो आज आप कैसे भी करके मैनेज कर दीजिए। मुझे पता था, जाओ तुम्हें घर का कोई काम बताए जिम्मेदारी सौंपी तुम भागने लगती हो। तुम्हारे लिए फैमिली से ज्यादा बाहर के लोग इम्पोर्टेंट है ना? माँ माफ कीजिएगा लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं जा रही हूँ चेंज करने। शीतल बाबूजी मैं हॉस्पिटल से होके आती हूँ। ठीक है बेटा। देखा अपनी बहू के लक्षण क्या? बन ठन के मेकअप करके हॉस्पिटल जा रही है। इतना कोई मेकअप करके जाता है क्या? कपड़े तो देखो क्या साड़ी पहनी है। क्या साड़ी पहनी है? अपनी बेटी को तो तुमने कभी मना नहीं किया, देखा कैसे कैसे कपड़े पहन के वो कॉलेज जाती है। बस बस आप तो अपना मुंह बंद ही रखिए। हाँ। खबरदार तो मेरी बेटी के लिए कुछ कहा तो। अरे मेरी बेटी की तुलना इससे करते हो तुम? हाँ हाँ सारी कमियां तो तुम्हारी बहू में है ना, एक तुम्हारी बेटी है बस, सारी खूबियां उसी में है। बस बस बहुत दर्द रहा बेटा। ये भगवान,
अरे बेटा धीरे से। अरे बेटा आराम से, कुछ ज्यादा ही जल गया। मुझे माँ आपको क्या जरूरत थी किचन में जाने की? देखा ना वो भाग गई तो किचन में कौन काम करता, मुझे ही करना था ना। उसको तो बहाना चाहिए बाहर निकलने का। हे भगवान। माँ माँ ये सब कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, वो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा ने आज हमारे घर आना था, बस उसी की तैयारियों में तेरी माँ किचन में लग गई और ये हादसा हो गया। उस पर वो दोनों आए भी नहीं। लेकिन शीतल कहाँ है? वो बेटा बाहर गई है, उसकी सहेली का एक्सीडेंट हो गया, वो उससे मिलने गई है। पापा ये सब काम ना करने के बहाने हैं। जब भी घर में कोई मेहमान आने वाला होता है ना तभी वो कहीं चली जाती है। याद है लास्ट टाइम जब मेरे फ्रेंड्स आ रहे थे तब भी उन्होंने ऐसा ही किया था, कहीं चली गई थी वो। क्या बकवास कर रही है मोना? शीतल ने मुझे भी फोन करके बताया था कि उसकी फ्रेंड दीक्षा का एक्सीडेंट हो गया, तो वो सच में वहीं गई होगी। लो आ गई महारानी जी। ये क्या हो गया आपको? मत छू मेरी माँ को, बंद करिए नाटक। बढ़ गई ना तेरी कलेजे को ठंडक? अब खुश तो हो ना मेरी माँ का ये हाल देख के? मोना गौतम, ये क्या तरीका अपनी भाभी से बात करने का? कोई मना नाम की चीज है कि नहीं? माँ चलो यहां से, यहां पे एक मिनट भी नहीं रुकना। चलो। क्यों रुका गुलाम? अच्छा माँ मैं ये सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मैं घर पे आ जाऊं। नहीं माँ कुछ नहीं हुआ, बस आपकी और पापा की बहुत याद आ रही थी। शीतल यहाँ। अच्छा माँ फोन रखती हूँ, कल बात करती हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ, घर क्यों जाना चाह रही हो? क्यों ना जाऊं घर? तुमने मुझे क्या कहा था कि मैं शादी के बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलूंगा? तुमने मेरी ये जिंदगी बदली। जब से मैं शादी करके आई हूँ तुम्हारी माँ और बहन के मैं ताने सह रही हूँ। हर रोज मुझे खाने और काम करने पे ताने देते हैं, वो सुनती रहूं? तुम मुझे पहले बता देते ना यार कि उन्हें घर के लिए बहू नहीं चाहिए, उन्हें घर के काम के लिए नौकरानी चाहिए, तो मैं तुमसे शादी करती नहीं। आज तो हद हो गई, तुम्हारी माँ ने मुझ पे इल्जाम डाल दिया कि मैं बाबूजी पे डोरे डाल रही। इतने हद तक गिर गए वो। अब तो मुझे ऐसे लग रहा है ना कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी तुमसे शादी करके। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, माँ की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। ओके तुम्हारे सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी माँ के दिमाग में जो जहर भरा हुआ है साफ हो जाएगा। वो तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद पूरे दिन का एक एक पल काटना कितना मुश्किल हो जाता है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम्हारी माँ और बहन तो मुझे ऐसे टॉर्चर करती है ना जैसे मैं उनकी उनकी जान की कोई दुश्मन हूँ। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ। गौतम उठो, तुम्हारी चाय। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारी खूबसूरती देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मानो दिन में ही चांद निकल आया है। अच्छा कल रात के लिए I'm sorry, वो मेरा कल मूड थोड़ा ज्यादा ही खराब था, आज रिलैक्स हूँ। अच्छा और मेरे मूड का क्या? चुप रहो, तुम भी सुबह सुबह शुरू हो जाते हो। मेरा हार कहाँ चला गया? यही तो रखा था। अच्छा आज कहीं पे घूमने चलें? इस लड़की ने ना मेरी जिंदगी खराब करके रख दी, मेरा घर बर्बाद कर दिया। जल्दी बता मेरा हार कहाँ है, और मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। अरे क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आप तो चुप रहिए, अपनी जबान बिल्कुल मत खोलिए।
मुझे पूरा यकीन है कि मेरा हाथ किसी ने चुराया है। माँ आपको क्या गलत फहमी होगी, मैं अरे माँ ये क्या ड्रामा है, मेरी बात तो सुनो। ये ड्रामा नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा हार इसी ने चुराया है। सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। माँ शीतल ऐसा नहीं कर सकती। ये क्या है? मुझे नहीं पता ये हार यहाँ पे कैसे आया। ये गौतम बिलीव मी मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता ये यहाँ पे कैसे आ गया। कैसे आया? खुद चलकर तो आया नहीं होगा, तुम ही लेकर आई हो ना इसे। अच्छा अब समझ आया मुझे, जब इनकी मालिश करने के बहाने तू कमरे में आई थी इनके सोने के बाद, तब तू ये हार चुरा कर लाई होगी, तूने यहाँ छिपा दिया होगा, है ना? नहीं माझी ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं अपने ही घर में चोरी करूंगी, वो भी माझी का हार। गौतम तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? शीतल तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, कहीं तुमने दीक्षा की मदद करने के लिए हार तो नहीं चुराया? क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं अपने ही घर में चोरी करूंगी। तू कर सकती है और तूने ही ये किया है। शीतल तुमने खुद कहा था ना कि दीक्षा की मदद करने के लिए मैं खुद पैसों का इंतजाम करूंगी, और तुमने ये कदम उठाया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। छी गौतम, दिल तो करता कि तेरे घर वालों को बुलाकर तेरा पर्दाफाश कर दूं, उन्हें भी तो पता चले उनकी बेटी ससुराल में क्या गुल खिला रही है। जब परवरिश ही ऐसी हो तो औलाद क्या करेगी। अरे माँ चलो ना, किसकी मुंह लग रही हो, चलो। अब आप क्या खड़े हो यहाँ पर, चलो यहाँ से।